ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ इस सभा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत कनकागिरी क्षेत्र अधिपति श्री लक्ष्मी कनकाचल पदीय पादके नमस्कार गलू आज यहां आकर इस शुभ दिन पर आपकी पवित्र धरती पर आकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है और मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूं कि इतनी कड़ी धूप में आपने मेरा इतना इंतजार किया। देखिए सभा की शुरुआत में आप सब खड़े हुए, हम सब खड़े हुए और हमने वंदे मातरम गाया, अपनी मातृभूमि को हमने नमन किया, श्रद्धांजलि दी। आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, जो यहाँ के किसान हैं, इतनी कड़ी धूप में आपने कहा कि पानी की सुविधा भी कम है, फिर भी दिन रात खेती पर काम करते हैं। आप भी सुबह उठकर पूरे परिवार को देखते हुए, सबके लिए खाना बनाकर, सबकी सुविधा देखते हुए पूरा दिन बिताते हैं। घर से बाहर अगर आप कहीं नौकरी करने के लिए भी जाते हैं या खेती में हाथ बटाते हैं, फिर भी आप सब घर आकर सबकी देखभाल करती हैं। और मैं जानती हूं कि जब सब सो जाते हैं, पूरा परिवार सो जाता है, तभी आखिर में आप सोती हैं। तो हमारी मातृभूमि क्या है और किसकी मेहनत से बनी है? आप ही की तरह है जो रोज मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, चाहे वो किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसी के घर में कुछ काम करता हो। आप सभी की मेहनत से देश बनता है, समाज बनता है, प्रदेश बनता है। हमारी पुरानी धरती है, बहुत महात्मा रहे जिनकी सीख से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा समाज बना। ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆ ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ತು ಈ ನಾಡನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಧರ್ತಿ ಹೈ, ಧರ್ಮ ಕೋ ಮಾನ್ನೆ ವಾಲೆ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಈಮಾನದಾರಿ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಸತ್ಯ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಹಮಾರಾ ಮಹಾನ್ ದೇಶ ಆಜಾದ್ ಭಿ ಜಬ್ ಹುವಾ ತೋ ಸತ್ಯ ಕೆ ಆಧಾರ್ ಪರ್ ಹುವಾ. महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की, सत्य की लड़ाई लड़े। तो हमारी देश की परंपरा रही है, पुरानी परंपरा है कि हमारे जो देश के नेता होते हैं, हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी सभ्यता को बनाए रखें, कि वो एक साधारण जीवन जिए और ईमानदारी से हमारे लिए काम करें। चाहे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे महापुरुष रहे हों, लेकिन हमेशा जनता के सामने झुके और जनता का आदर किया। आपका कर्नाटका प्रदेश हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। आपकी मजबूती से, आपके विकास से, आपके उदाहरण को देखकर पूरा देश गर्वित होता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ डायरेक्टर आपके प्रदेश के हैं। एक समय में आप आईटी में आगे थे, टेक में आगे थे, इंजीनियरिंग में आगे थे, विकास में आगे थे, शिक्षा में आगे थे। पिछले चुनाव में इसी तरह सबने प्रचार किया, आपने अपना वोट डाला और अपने लिए एक नई सरकार बनाई। कुछ ही समय बाद उस सरकार को पैसों के बल से, सत्ता के बल से तोड़ा गया और आज की जो बीजेपी की सरकार है वो 3.5 सालों से आपके प्रदेश में बनी। और जब भी प्रदेश में या देश में एक नई सरकार बनती है तो अपनी पहचान बना देती है। तो जैसे आपने कहा, इंदिरा जी की जिक्र की, इंदिरा जी की जो सरकार बनी, जब उन्होंने भूमि के जो रिफॉर्म्स किए, लैंड रिफॉर्म्स किए, उसके लिए सुप्रसिद्ध बनी। राजीव गांधी की सरकार देश को आधुनिक दौर में ले जाने के लिए, टेक्निक में,
आईटी में आगे बढ़ाने के लिए मशहूर हुई। आज कुछ प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं, राजस्थान में है, हिमाचल में है, छत्तीसगढ़ में है, तो वहां भी उनकी अलग अलग पहचान बनी। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं, उनकी पहचान इसी से बन रही है। तो क्या ये दुख की बात नहीं है और ये शर्म की बात नहीं है कि जो कर्नाटका प्रदेश की बीजेपी सरकार है वो 40% सरकारा के नाम से प्रसिद्ध हुई है। और ये नाम किसी दूसरी पार्टी ने नहीं दिया, ये प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स ने दिया। प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स जो आत्महत्या करने लगे क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको इतनी घूस देनी पड़ती है सरकार को कि कमा नहीं पा रहे हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि आपके नौजवान बच्चे एग्जाम्स के लिए, भर्तियों के लिए पढ़ते हैं, लिखते हैं, आप ट्यूशन्स की फीस भरने के लिए और कड़ी मेहनत करते हैं और फिर जब भर्ती का एग्जाम देते हैं तो पीएसआई के स्कैम के जैसे उनको पता चलता है कि किसी विधायक ने पैसे चोरी किए और उनकी भर्तियां बंद हैं। आपके यहीं के विधायक का नाम एक ऐसे स्कैम में उठा है। कर्नाटका में कहीं और एक विधायक के बेटे को 8 करोड़ कैश के साथ घर में पकड़ा गया और इनकी बेशर्मी इतनी बढ़ गई है कि उन पर कार्रवाई करने के बजाय उनके पिताजी ने एक परेड निकाली कि मैं विधायक हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता, मेरे बेटे लूट करें, चोरी करें, कुछ भी करें, आप मुझे छू नहीं सकते। अब मैं जानती हूं मेरी बहनें, आप सुनती होंगी कि सरकार बनी है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। आप सोचती होंगी कि ठीक है, भ्रष्टाचार हो रहा है, होता है, बड़े बड़े नेता अपने महल बना रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, तो इससे मेरा क्या मतलब है। मैं आपको बताना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि इस बात को आप सब बहनों भाइयों गहराई से समझें कि भ्रष्टाचार से जो संपत्ति चोरी होती है, जो लोगों के महलों में, गाड़ियों में, उनके जीवन में जा रही है नेताओं के, वो आपकी संपत्ति है। आप सोचिए, आप महंगाई से जूझ रही हैं, आजकल सिलेंडर 1100 से 1200 रुपए तक आ गया है, आप उसको ही खरीद नहीं सकती, भरवा नहीं सकती, दाल महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, गैस तो महंगी है ही, सब्जियां महंगी हैं, फल महंगे हैं, तो जब सुबह उठकर आप सोचती हैं कि खाने के लिए कुछ बनाना है, दुकान जाती हैं, आधी चीजें तो आप खरीद ही नहीं पाती होंगी। और आप सोचिए मेरे किसान भाइयों, आप दिन रात मेहनत करते हो, पहले आपको 50 किलो का बोरा मिलता था यूरिया, उतने ही पैसों के लिए आज उसमें 5 किलो भी कम कर दिए हैं। जीएसटी ट्रैक्टर पे है, बिजली के दाम बहुत ज्यादा चढ़ गए हैं, फर्टिलाइजर पे जीएसटी, पेस्टिसाइड पे जीएसटी, तो आप अपना गुजारा कैसे करेंगे। और ये सब ऐसा ही नहीं हो रहा है कि दुनिया में महंगाई बढ़ गई है तो बढ़ गई है, ये आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक भ्रष्ट सरकार भ्रष्ट नीतियां बना रही है और उनकी नीतियों में आपका हित नहीं है। आपको मालूम होगा कि इस सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं कर्नाटका से। कोई सोच भी सकता है कि ये कितना पैसा है, इससे आपके लिए कितने सारे काम हो सकते थे। 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे, 187 ईएसआई के हॉस्पिटल बन सकते थे, 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे जिसमें आपके बच्चे पढ़ाई कर सकते। कर्नाटका के लिए 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे, लेकिन इन्होंने ये पैसे लूटे और आज परिस्थितियां ये है कि मेरे तमाम नौजवान भाई बहन यहाँ खड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हैं। मैं कहीं जाती हूँ, किसी से पूछती हूँ कितनी पढ़ाई की है, तो यहाँ हमेशा जवाब आता है बीएससी, बीटेक, सबने कुछ पढ़ाई की है, लेकिन आपको रोजगार नहीं दिया जा रहा है।
और इससे बड़ी शर्म की बात यह है, चलो खाली रख लिए पद, आपने दिए नहीं नौकरियां, लेकिन आप तो पोस्ट के लिए आपने रेट फिक्स कर ली है। किसी पोस्ट के लिए 50 लाख, किसी के लिए 70 लाख, किसी के लिए 30 लाख, हर चीज के लिए कुछ न कुछ आपको देना पड़ता है। जो आपका हक है, आपका अधिकार है। अगर सरकार में पद खाली है तो हर नौजवान का अधिकार है कि उसको वो पद मिले। और मेरे किसान भाइयों की हालत देखिए, 25,000 रुपए पर एकड़ टैक्स लगा दिया है। डबल आमदनी की बात की थी, डबल आमदनी सिर्फ इनके नेताओं और इनके उद्योगपति दोस्तों की हुई है। हमारे देश का किसान औसत प्रतिदिन 27 रुपए कमाता है। और प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्र गौतम अडानी की तरह एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। आपके लिए जहां से रोजगार बनने थे, वो बड़े बड़े पीएसयू उसको गिफ्ट के तौर पर दे दिए गए हैं। और जो छोटा बिजनेसमैन है, मीडियम स्केल का बिजनेसमैन है, जो दुकानें चलाता है या छोटा छोटा बिजनेस करता है, आपकी तरह जीएसटी और नोटबंदी सी आपकी के जैसी नीतियों से आपकी कमर तोड़ी गई। तो रोजगार दिलवाने के जितने भी माध्यम थे उनको कमजोर कर दिया, खत्म कर दिया। कांग्रेस वो माध्यम फिर से बनाना चाहती है। छोटे बिजनेस और मीडियम साइज के बिजनेस के लिए वेलफेयर फंड बनाना चाहती है। बीदर से चामराजनगर तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और टाउनशिप बनाना चाहती है। मंगलुरु में टूरिज्म के लिए, बिजनेस के लिए गोल्ड और डायमंड पार्क जैसे दुबई में होता है वैसे बनाना चाहती है। मैसूरु, हुबली, धारवाल, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा जैसी शहरों को बेंगलुरु की तरह आईटी और टेक में मजबूत बनाना चाहते हैं। और इस चुनाव में, क्योंकि हम समझते हैं कि 3.5 सालों में आपने मेहनत की लेकिन आपकी मुश्किलें बढ़ती चली गई, हम कुछ गारंटी आपको देना चाहते हैं। 100% विकास की गारंटी। जो 2.5 लाख पद खाली हैं, उनको 1 साल के अंदर अंदर पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उनको भरा जाएगा। मेरी बहनों, आपके लिए गृह लक्ष्मी योजना, जिसके तहत आपको 2,000 रुपए प्रति माह आप ही के अकाउंट में जाएंगे। गृह ज्योति योजना, जिससे 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। मेरी बहनें, आपके लिए सारी बस की यात्राएं फ्री होंगी। आंगनवाड़ी और आशा की बहनें मेहनत करती हैं, सबका देखभाल करती हैं, और कोविड के समय, कोरोना के समय सबसे ज्यादा आपने धैर्य दिखाया और भीषण परिस्थितियों में घर घर जाके वैक्सीन डलवाई। फिर भी इस सरकार ने आपका मानदेय नहीं बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी अगर सरकार बनाएगी तो आपका मानदेय 15,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाया जाएगा। मिनी आंगनवाड़ी के लिए 10,000 तक बढ़ाया जाएगा। आशा बहनों के लिए 8,000 रुपए तक। और जिन्होंने आजीवन आंगनवाड़ी में सेवा की है और रिटायर होने जा रही हैं, तो मेन आंगनवाड़ी के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे और जो मिनी आंगनवाड़ी की बहनें हैं उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। भूमिहीन मजदूरों और बटाईदार किसानों के लिए एक विकास बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें 500 करोड़ रुपए का फंड होगा आपकी मदद के लिए। इस तरह की तमाम स्कीमें हैं कांग्रेस पार्टी आपकी भलाई के लिए लाना चाहती है। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि एक ईमानदार सरकार जो आपके हित में काम करती है वो क्या क्या नहीं कर सकती। आप सब इतनी ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे एक आग्रह करना चाहती हूँ। देखिए, जो चुनाव है इसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है। आप जब 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो 5 सालों के लिए आपका जीवन कैसा होगा, क्या तरक्की आएगी क्या नहीं आएगी, ये आप तय करने जा रहे हैं। तो हर पार्टी के नेता मेरी तरह मंच पर खड़े होकर आपको बड़े बड़े भाषण देते हैं। और पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि बीजेपी के नेता, चाहे सबसे बड़े से बड़े नेता हो, प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो
या किसी और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो आपकी बातें नहीं कर रहे हैं, वो ना आपको बता रहे हैं कि 3.5 सालों में कितना काम किया, कुछ तो किया होगा, लेकिन आपको ये नहीं बता रहे हैं कि हमने कितने स्कूल खोले, हमने कितने अस्पताल बनाए, हमने कितने बच्चों को जॉब्स दिए, हमने किसानों के लिए क्या किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने कौन सी सुविधाएं बनाई, ये बातें नहीं कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी गिनने लगते हैं कि उनको किसने कितनी गालियां दी, कहीं इनके नेता कहने लगते हैं कि किसी का अपमान हुआ है, कभी धर्म की बातें उठा लेंगे ताकि आपके जज्बात, आपके इमोशंस उसमें पड़ जाएंगे। मतलब कि सारी बातें कर रहे हैं लेकिन जो आपके काम की बात है वो नहीं हो रही है इन मंचों पर। आपका पेट कैसे भरेगा, आप अगले दिन का सामना कैसे करेंगे, पानी के बिना आप खेती कर रहे हैं, खेत उपजाऊ कैसे बनेंगे आपके, मेहनत कर करके अपने खून पसीने से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, कष्ट नौकरी नहीं मिल रही है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपको याद है महाभारत में जब अर्जुन को तीर मारनी थी तो वो सिर्फ मछली की आंख देखता था, उसको और कुछ नहीं दिखता था, सीधे निशाना मारता था, सीधे ऊपर देखते थे और उस निशाने से उनका ध्यान बिल्कुल नहीं हटता था। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कर्नाटका के अर्जुन बन जाओ, अपना ध्यान अपने भविष्य पे रखो, इधर उधर ना भटके, बड़े से बड़ा नेता आ जाए आपके सामने, आपकी बात नहीं की तो उसकी बातें को परे कर दो, अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर, अपने विकास पर, अपने बच्चों के भविष्य पर, अपने पेट भरने पर, अपनी ईमानदारी पर, आप अपना ध्यान एकदम सटीक रखो, उसको हिलने मत दो। और समझ जाओ कि चुनाव के सामने या किसी भी समय अगर कोई नेता आपके सामने आकर आपकी बात नहीं करता है, आपके प्रति जवाबदेह नहीं बनता है, आपको ये नहीं बताता है कि क्या करके दिखाया है आपके लिए, तो वो नेता आपका नेता बनने लायक नहीं है। सरकार आपके लिए बनती है, उसका धर्म यही है कि आपके प्रति समर्पित हो, आपकी सहायता करना, आपकी समस्याओं को सुलझाना, आपका विकास करना, ये सरकार का कर्तव्य है। और आपका कर्तव्य, आपका धर्म अपने प्रदेश, अपनी मातृभूमि और अपने भविष्य की पीढ़ी के प्रति यही है कि आप जागरूक बने। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, कुछ दिनों पहले मैं एक बहन के घर गई, मैंने कहा किसको वोट देती हो, उसने कहा जिसको भी वे कहते हैं उसी को दे देती हूँ। लेकिन बहनों ये चलेगा नहीं, ऐसा करने से यही होता है कि ऐसी सरकारें बनती हैं जो आपके प्रति जवाबदेह नहीं रहती। अपना वोट सोच समझ के दो, सारी बातों को समझो, कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस ने अपने प्रदेशों में क्या किया, बीजेपी ने 3.5 सालों से यहाँ आपके लिए क्या किया, आगे की क्या योजना बता रहे हैं, पीछे क्या करके दिखाया है, और सोच समझ कर एक ऐसी मजबूत सरकार बनाओ जो कोई नहीं तोड़ पाए, पूर्ण बहुमत से जिताओ ताकि एक मजबूत सरकार बने, कोई उसको हिला नहीं पाए, और वो भी आपके लिए दिन रात काम करके दिखाए, उसका भी ध्यान न भटकने पाए। क्योंकि जब आप दुर्बल सरकार बनाते हो तो उस सरकार का समय अपने आप को बचाने में चले जाता है। तो इस बार अपने प्रदेश के लिए एक सरकार चुनो जो आपके प्रदेश का गर्व रखे, जो पूरी देश दुनिया में जान जाए कि हाँ ये सरकार कर्नाटका के लिए काम कर रही है, और गर्व हो आपको अपने प्रदेश पर और अपने सरकार पर। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, कर्नाटका की जय, कर्नाटका की जय, कर्नाटका की जय। और हमारे यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, शिवराज तंगगडी,
ये आपके लिए समर्पित है, आप इनको भारी बहुमत से जिताइए, एक बार जोर से जय करिए, इनकी हाथ ऊपर करके बताइए, शिवराज बताएंगे